वेलकम स्टूडेंट्स इन साइंस क्लास। टुडे वी डिस्क्राइब अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द स्पॉइलेज एंड वेस्टेज ऑफ फूड एंड फूड प्रिजर्वेशन। टुडे वी डिलीवर द टॉपिक द फर्स्ट पार्ट दैट इज द स्पॉइलेज ऑफ फूड। व्हाई दैट इज चूज दिस टॉपिक? बिकॉज you see in your home house the many food items that is the destroy or that is the spoilage through the degradation of the microbes. So why that is the spoilage, why that is degrade, how can we are prevent for them, for the spoilage? ठीक है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द स्पॉइलेज? स्पॉइलेज किसको बोलते हैं? मींस द मटेरियल दैट इज कंटेमिनेटेड थ्रू द माइक्रोब्स और थ्रू द अफेक्टेड थ्रू द इंसेक्ट which are harmful for the our health. Okay, so we start from your textbook. Annam Param Brahma Swarupam, say our Indian philosophy. जो हमारा philosophy वो कहता है कि जो अन्न है परम ब्रह्म स्वरूप है। This means that our great saint regarded food as a form of God. जो हमारे संत लोग हैं, महात्मा हैं, मुनि लोग हैं, वो कहते हैं कि फूड क्या है? फूड एज ए फॉर्म ऑफ गॉड, वो गॉड का एक रूप है, दैट इज गिवन बाय द गॉड गिफ्टेड फॉर अस। हाउ वेर मैनी ऑफ अस डू नॉट रिस्पेक्ट एंड फॉलो दिस एज ओल्ड सेइंग। ठीक है, इसमें मैक्सिमम लोग इसको रिस्पेक्ट नहीं करते। द रिजल्ट इज दैट मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ फूड इज बीइंग स्पॉइल्ड, वेस्टेज आर डिस्कार्डेड व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ आवर फेलो बीइंग आर नॉट गेटिंग इवन टू स्क्वायर मील्स। ठीक है, जिसके फलस्वरूप मिलियन टन्स जो फूड होता है एवरी डे दैट इज स्पॉइल्ड, वेस्टेज आर डिस्कार्डेड होते हैं। एंड मैक्सिमम लोग ऐसे भी है, वी कैन नॉट ऑब्टेन टू टाइम्स, कि जो मील है फूड है उनको नहीं मिल पाता। ठीक है, मिलियन लोग, मिलियन फूड आपका वेस्टेज हो रहा है, मिलियन पीपल ऐसे भी है जिसको फूड दो टाइम का नहीं मिल पा रहा है। इट हैज बीन वेल सेड, इसीलिए कहा गया है डू नॉट वेस्ट फूड, शेयर विथ अदर्स। इसलिए कहा गया है कि फूड को वेस्ट ना करो, ठीक है, इसको शेयर करिए। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका बर्थडे है, ठीक है, आपके बर्थडे में खाना अच्छा खासा बनाया गया, डिफरेंट टाइप का आइटम बनाए गए, ठीक है, जिसको बुलाए थे उनको खाना कराने के बाद जो मटेरियल बच गए फूड के मटेरियल, आप उसको क्या करते हो? बाहर उसको फेंक देते हो। ठीक है, तो उसको फेंकने की बजाय आप उस फूड को जिसको रिक्वायर्ड है स्लम एरिया में जाइए, वहाँ पर बच्चों को बांट दीजिए। ठीक है, या उनको फूड प्रोवाइड करिए जिसको उसकी रिक्वायर्ड है, फेंकने से बजाय उनको देने से अच्छा है। ठीक है, उनका भी पेट भर जाएगा, वो आपको आशीर्वाद देंगे। That is clear. So, आज से ये प्रण कर लीजिए। आप जैसे आपका ही एग्जाम्पल लेते हो, आप लोग जाते हो किसी शादी ब्याह पार्टी में, ठीक है, उसमें क्या चलता है? बफर सिस्टम। आप लोग क्या करते हो? सभी आइटम फूड अपने प्लेट में रख लेते हो और उसमें से कुछ खाते हो, कुछ नहीं खाते हो, उसको डस्टबिन में डाल देते हो। तो इस तरह नहीं करना चाहिए, आपको उतने ही फूड यूज़ करना चाहिए, उतने ही फूड लेना चाहिए जितना आप खा सको,
जैसे घर में बनता है कुछ अच्छी चीज़ आपका बन गया तो आप ज़्यादा ले लेते हो, फिर भी उसको नहीं खा पाते हो तो वेस्ट होता है। तो बेटर है कि पहले कम लीजिए, ठीक है, जितना आपको रिक्वायर्ड है फूड की उतना ही यूज़ किया जाता है, उतना ही कंज्यूम करिए या उतना ही लीजिए, वेस्ट ना करिए फूड को। दैट इज़ क्लियर। आई होप दैट आज से आप लोग बिल्कुल इसका ध्यान रखेंगे कि फूड को वेस्टेज नहीं करेंगे। ओके, द स्पॉइलेज ऑफ फूड जो टॉपिक है, हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट पीपुल ऑफन डू आफ्टर शॉपिंग फॉर ग्रोसरीज। ठीक है, पीपुल जो ग्रोसरीज बहुत ज़्यादा आइटम्स या फूड आइटम्स वो ले आते हैं, एंड हियर आर न्यू फ्यू कॉमन ऑब्जर्वेशन, कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशन है जिस जो फूड को आप स्टोर करते हैं, जहाँ पर रखते हैं। जैसे फर्स्ट वन, फ्रूट एंड वेजिटेबल आर यूजली प्लेस्ड इन द लोअर सेल्फ्स ऑफ द रेफ्रिजरेटर व्हेन दे हैव टू बी यूज आफ्टर अ फ्यू डेज। जैसे कोई फूड मटेरियल को, जैसे वेजिटेबल हो, फ्रूट्स हो, उसको कई दिन यूज़ करना है तो फ्रिज के सबसे लोअर पार्ट जो होता है उसमें उसको रखिए, सेल्फ जो होती है, ठीक है, लोअर सेल्फ में उसको रखा जाता है। सेकेंड थिंग, मिल्क इज़ बॉइल्ड बिफोर स्टोरिंग। यदि मिल्क को रखना है सुबह से शाम तक तो मिल्क क्या किया जाता है, बॉइलिंग किया जाता है। क्यों करते हैं बॉइलिंग? फॉर द किलिंग द माइक्रोब्स, उसमें जो माइक्रोब्स होते हैं उसको किल किया जाता है। और आल्सो बॉटल्स आर कंटेनिंग मिल्क आर स्टोर इन द रेफ्रिजरेटर व्हेन एवर पॉसिबल। या तो उसको रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए दूध को, ठीक है, जब ज़रूरत हो उसका यूज़ करिए, ठीक है। थर्ड वन, बिस्किट्स, चिप्स, पल्सेस, अनकुक्ड राइस एंड सो ऑन आर स्टोर्ड इन जार बॉक्सेस दैट आर रूम टेम्परेचर। जैसे बिस्किट है, चिप्स है, पल्सेस है, अनकुक्ड राइस है, इन सब को जार या बॉक्स में रूम टेम्परेचर पर पैक करके या बंद करके रखना चाहिए। टर्मरिक पाउडर्स और सर्टेन इंसेक्ट रिपेलेंट टैबलेट्स आर प्लेस्ड इन द पल्सेस एंड राइस सो दैट इंसेक्ट डू नॉट स्पॉइल देम। ठीक है, अब जैसे गेहूं और पल्स दाल है या राइस चावल को जो आप स्टोर करके रखते हो तो उसमें टर्मरिक पाउडर थोड़ा डाल दीजिए, हल्दी, और कुछ इंसेक्ट रिपेलेंट टैबलेट आती है मार्केट में मिलती है, ठीक है, उसको उसके अंदर डाल दीजिए, जिससे आपका जो राइस है, पल्स है, वो स्पॉइल्ड नहीं होगा, मतलब ख़राब नहीं होगा। दैट इज़ क्लियर। नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ द रॉ चिकन, फिश एंड अदर नॉन वेजिटेरियन आइटम्स आर कुक्ड इमीडिएटली आर केप्ट फ्रोजन टिल दे आर रिक्वायर्ड। यदि किचन है, सॉरी चिकन फ्लैश है, फिश है, ठीक है, यदि इस तरह का मटेरियल है या तो उसको तुरंत आप पका लीजिए इमीडिएटली, अदरवाइज केप्ट इन द फ्रीज़र, जो फ्रीज़र मतलब फ्रिज का सबसे जो वहाँ कोल्डर पार्ट है वहाँ पर इसको रखना चाहिए, और जब इसका रिक्वायर्ड हो उसको यूज़ करें। क्लियर। नेक्स्ट वन, ओनियन एंड पोटैटोज आर स्टोर इन द किचन इन ट्रे आर सेल्फ एट रूम टेम्परेचर। ओनियन और पोटैटोज, ठीक है, जो किचन में सेल्फ दराज बनी हो उसमें रखिए और इसको रूम टेम्परेचर पर रखिए, ओके, नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट वन, शुगर एंड सॉल्ट प्लेस्ड इन कंटेनर एंड स्टोर एट रूम टेम्परेचर इन किचन। शुगर और सॉल्ट को भी एक छोटे से बॉक्स में स्टोर करके रखिए रूम टेम्परेचर पर किचन में। कर्ड इज प्रिपेयर्ड एट रूम टेम्परेचर बट एज सून एज इट सेट्स इट इज़ प्लेस्ड इन द रेफ्रिजरेटर आर यूज एज सून एज पॉसिबल। जो कर्ड प्रिपेयर किया जाता है वो रूम टेम्परेचर पर उसको प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है, दूध तो हल्का गर्म करके, जब हल्का गर्म रह जाता है तो उसमें कुछ कर्ड डाल देते हैं, जिसके बाद फर्मेंटेशन होने के बाद पूरा पूरा जो कर्ड है आपका दूध मिल्क है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद इसलिए इसको तुरंत नहीं यूज करना है, कुछ समय बाद या एक दो दिन बाद यूज करना है, तो उसको रेफ्रिजरेटर में रख देना चाहिए, वो स्पॉइल से बच जाएगा। सच एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द फूड सो दैट
इट डज नॉट गेट स्पॉइल्ड। इस तरह की एक्टिविटी यदि हम करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए, सो वह स्पॉइल्ड नहीं होंगे। दैट इज क्लियर। जस्ट लाइक यू सी इन रेफ्रिजरेटर, सम पिक्स आर गिवन हियर, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स दैट इज गिवन इन द लोअर सेल्फ ऑफ फ्रीजर, ठीक है, और जो आइटम्स दैट इज गिवन इन अपर सेल्फ। क्लियर। बिफोर वी डिस्कस अबाउट द कॉजेज ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड, वी डिस्कस अबाउट द सम अदर सम पॉइंट अबाउट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स। इफ सम ऑफ द अबव मेंशन्ड आइटम्स लाइक मिल्क, फिश, कर्ड, एग्स एंड फ्रूट्स आर लेफ्ट ऑन द किचन सेल्फ फॉर अ फ्यू डेज, देयर अपियरेंस, स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस। ठीक है, यदि दूध हो, फिश हो, कर्ड हो, एग हो और फ्रूट हो, यदि आप किचन में नॉर्मल टेम्परेचर पर रख रहे हैं, रूम टेम्परेचर पर, तो एक या दो दिन बाद उसका जो टेस्ट होता है और उसका स्मेल होता है वो चेंज हो जाता है। कर्ड्स बिकम सॉवर एंड मिल्क कर्डल्स। ठीक, जो कर्ड होता है वो बिल्कुल खट्टा हो जाता है और जो मिल्क होता है वो जम जाता है, कर्डल हो जाता है। फ्रूट गेट्स कवर्ड विद द वाइटिश और ऑरेंज पाउडरी सब्सटेंसेस। जो फ्रूट है, वेजिटेबल है, यदि आप रूम टेम्परेचर पर रखे हैं वो स्पॉइल्ड हो जाता है, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज ग्रोथ ऑन द सरफेस, जिससे उसका कलर ऑरेंज पाउडरी या वाइट कलर का पैसेज उस पर दिखाई देते हैं। सम ऑल्सो स्टार्ट इमिटिंग फॉल स्मेल। कुछ उसमें जब बिल्कुल डिग्रेड हो गया होगा उससे फॉल स्मेलिंग आने लगती है। ऑल दिस साइन इंडिकेट दैट दिस फूड आइटम्स आर नो लॉन्गर फिट फॉर ईटिंग एंड आर स्पॉइल्ड। इस तरह के यदि फूड के थ्रू स्मेल आने लगे तो मीन्स फूड आइटम जो है आपका क्या हो गया, स्पॉइल्ड हो गया है, उसको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, यूज़ करने से आपको हेल्थ को अफेक्ट पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट वन, कॉजेज ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड, किसके कारण फूड स्पॉइल होता है। तो इसमें थ्री मेन कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, सेकेंड वन इंजाइम्स, थर्ड इंसेक्ट, वर्म एंड रैट्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी आर मेन कॉज ऑफ द स्पॉइलेज ऑफ फूड। स्पॉइलेज फूड का जो करते हैं सबसे ज़्यादा, उसमें दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंगस एंड बैक्टीरिया। दिस ऑर्गेनिज्म टेंड टू ग्रो फास्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड वार्म। ये दोनों जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं दैट इज ग्रो रैपिडली आर फास्टली इफ देयर इज द मॉइस्चर एंड वार्म कंडीशन आर प्रेजेंट। जहाँ पर नमी और गर्मी हो, ठीक है, वहाँ पर फंगस और बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। नॉर्मली यू सी इन केस ऑफ प्रिकल, प्रिकल यदि उसमें ऑयल की मात्रा कम है या सॉल्ट की मात्रा कम है तो देखते हो उसके सरफेस पर वाइट पैसेस जम जाते हैं, वो क्या है, फंगस है, वो फंगस ग्रोथ करता है, वहाँ मॉइस्चर कंडीशन है और उसको आप कवर करके रखते हैं, वार्म है वहाँ पर, गर्म है, इसलिए वहाँ पर माइक्रोब्स ग्रोथ कर जाते हैं। क्लियर। दस फॉर प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम द गेटिंग स्पॉइल्ड वी नीड टू, यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिवेंट करना है फूड को तो कैसे स्पॉइल्ड होने से बचाना है तो क्या करना है, फॉला रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम द फूड दैट इज ड्राइड। मीन्स जो फूड है उसमें यदि मॉइस्चर है उसको ड्राई कर दीजिए, सुखा दीजिए। दूसरा, कीप द फूड एट लो टेम्परेचर टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ फंगी एंड बैक्टीरिया। और इस तरह के फूड को बिल्कुल लो टेम्परेचर पर रखिए, मतलब रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए, जहाँ पर फंगस और बैक्टीरिया का ग्रोथ जो चांस है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। क्लियर। सेकेंड कॉजेज है दैट इज द एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं, दिस द केमिकल्स, एंजाइम्स केमिकल होते हैं। तो एंजाइम्स आर केमिकल दैट आर प्रेजेंट इन ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, सभी फ्रूट और वेजिटेबल में प्रेजेंट होते हैं। दे आर यूजफुल बिकॉज दे कॉज राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। जो एंजाइम होते हैं वो यूजफुल होते हैं, क्यों, या फ्रूट के राइपनिंग में हेल्प करते हैं। मोस्ट रॉ फ्रूट्स आर ग्रीन इन कलर एंड सॉवर और बिटर इन टेस्ट। नॉर्मली जितने भी फ्रूट्स होते हैं जब ग्रीन, मतलब बिफोर राइपनिंग कंडीशन में होते हैं, तो ग्रीन कलर के होते हैं, सॉवर टेस्ट होता है, सॉवर या बिटर होता है।
When they ripen, they change their color and become sweet. और जब वो रिपेन हो जाता है, पक जाता है, तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है और उसका टेस्ट भी मीठा हो जाता है. This happens because of the action of enzymes. यह क्यों होता है? क्योंकि इंजाइम उसमें प्रेजेंट है उसके एक्टिविटी के कारण. क्लियर? इंजाइम्स आर दस क्वाइट यूजफुल. यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इंजाइम्स यूजफुल है. हाउएवर दे आल्सो स्पीड अप केमिकल चेंजेस दैट रिजल्ट इन द लॉस ऑफ फ्लेवर, कलर एंड अपियरेंस. और यदि हाईली ये ग्रोथ करता है या सीक्रेट होता है एंजाइम का, दैट इज द लॉस ऑफ फ्लेवर, जो टेस्ट होता है उसका ये खत्म कर देता है, कलर भी खत्म कर देता है. दे कैन दस ऑल्सो कंट्रीब्यूट द स्पॉइलिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट. इसके कारण भी फूड प्रोडक्ट जो होता है स्पॉइल्ड हो जाता है ज़्यादा केमिकल सिक्रेशन से. एंड लास्ट वन, दैट इज द इंसेक्ट वर्म एंड रैट्स. नॉर्मली यू सी दिस एनिमल्स यूजली मेक देयर होम इन प्लेसेस दैट आर मॉइस्ट एंड डार्क एंड वेयर फूड आइटम्स आर अवेलेबल. ठीक है, इस तरह के इंसेक्ट जो होते हैं, इंसेक्ट देखो, छोटे कीड़े देखते हैं घर में, कॉकरोच जैसे हुआ, वर्म है, कुछ छोटे कीड़े होते हैं, जस्ट लाइक इन केस ऑफ वीट और राइस में छोटे छोटे कीड़े होते हैं, रैट्स. ये सभी डार्क और मॉइस्चर कंडीशन जहाँ रहता है और जहाँ पर फूड होता है मटेरियल, वहाँ पर पाए जाते हैं, मैक्सिमम रहते हैं. इट इज़ देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द कपबोर्ड. इसीलिए जो ये मटेरियल है इनको कपबोर्ड में रखना चाहिए, सेल्फ दराज में रखना चाहिए, एंड कंटेनर क्लीन एंड ड्राई. और कंटेनर में यदि रखते हो तो पहले कंटेनर को क्लीन बिल्कुल साफ कर लीजिए, उसको ड्राई सूखा कर लीजिए, तब उसमें रखना चाहिए. दिस विल प्रिवेंट फ्रॉम द मेकिंग अ होम एट प्लेस वेयर आवर फूड आइटम्स आर केप्ट. ठीक है, और फूड आइटम जहाँ रखते हैं वहाँ पे कंडीशन होना चाहिए कि बिल्कुल साफ हो, क्लीन हो और ड्राई कंडीशन हो. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज. यदि वीडियोज आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए और आइकन बेल को प्रेस करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज. Thanks.